नमस्ते बच्चों, कैसे चल रही है आपकी उत्तरायण की प्रिपरेशन? ये पूछूं ना मैं अभी? क्योंकि अभी उत्तरायण नजदीक है तो बहुत सारे बच्चे बस यही है कि पतंग चकाना है, पतंग चकाना है। बट ठीक है, आप एंजॉय कीजिए, नो डाउट। बट साथ साथ में आपको समय भी निकालना होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वो भी नजदीक है। उत्तरायण तो हर साल आती रहती है, ठीक है, बट 10th का एग्जाम एक ही बार आएगा जो आपको आपके शिखर तक पहुंचाएगा। तो इसके लिए त्योहारों के बीच में अपने काम को मत भूलिएगा, है ना? और अपने काम के प्रति प्रेम जब रखेंगे आप, तो आपको कहीं ना कहीं समय सेट हो जाएगा और आप अपने काम को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपका काम है लर्न करना, और आज हम करने वाले हैं SST के पेपर 4 का सेक्शन बी। तो देखते हैं कि इस काम को हमें कैसे कंप्लीट करना है और सारे के सारे आंसर्स को समझेंगे। स्किप करके, स्क्रीनशॉट लेके लर्न करोगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है? समझ करोगे, समझ के पूरा समझोगे आप अच्छे से, कुछ की पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो आप आराम से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। हम 10th में आ गए हैं तो अभी हमें रटाफिकेशन नहीं करनी है ना बच्चा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझें। तो चैप्टर्स अगर भूल भी गए हैं, समझ में नहीं भी आए हों, तो आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए चलो बच्चे, देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 25। 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है, तो बेसिकली 4 पॉइंट आपको मिनिमम लिखनी ही है। कोशिश कीजिए कि 5-6 पॉइंट्स लिख डालें आप, अगर कंटेंट आपके पास अवेलेबल है और आपको पॉइंट्स याद आ रही है तो। तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा अच्छे से लगता है कि हाँ भाई चलो बच्चों को अच्छे से आता है, और रिलीवेंट पॉइंट ही लिखना, फालतू वाली बकवास ही कुछ मत लिख देना। जो आपका क्वेश्चन है उस हिसाब से आप कुछ उसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाई डू वी रिगार्ड रिवर्स एज लोकमाता, ठीक है? तो हम लोग रिवर्स को लोकमाता क्यों कहते हैं, या तो इसका सिंपल दूसरा क्वेश्चन भी है कि रिवर्स का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे नेशनल हेरिटेज के अंदर। देखिए, तो पहले लोकमाता का मतलब क्या होता है? लोक मतलब पीपल, माता मतलब मदर, ठीक है? सो द टर्म लोकमाता मीन्स मदर ऑफ पीपल और द गॉडेस ऑफ पीपल। ओके, बहुत सारे लैंग्वेज में बोलते हैं। रिवर्स हमारे इंडिया के अंदर लोकमाता के नाम से जानी जाती है, बिकॉज इंडियन रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वाटरवेज सिंस एशियन टाइम, ठीक है? शुरू से अगर हम देखते हैं तो जो बेसिकली पानी ना, जल ही जीवन है बोलते हैं हम लोग, तो जीवन देने वाली तो माता होती है, ठीक है? तो उस तरीके से है। अगर हम लोग थोड़े पोर्टुगीज का टाइम, डच का टाइम और ये सब देखें तो ट्रेडिंग सिस्टम भी देखा जाए तो पानी से ही होता था। पहला बड़ा ट्रेडिंग सिस्टम वहीं से स्टार्ट हुआ ना, थ्रू द वाटर वेज, तो वो भी चीज़ है। इंडियन कल्चर हैज फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक इंडस, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ओके, और बहुत सारे लोग इनसे हाईली प्रभावित होते हैं ना, इन्फ्लुएंस होते हैं। हम इन्हीं की तो पूजा करते हैं, आज हम गंगा माँ कहते हैं, ठीक है? तो सरस्वती, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहीं से आती हैं। अच्छा, अब अगर ये तो चलो हमारी कथाओं के हिसाब से अपन बोल रहे हैं, अगर हम रियल में देखें तो वाटर या रिवर्स ये हम लोगों को पानी पीने की सोर्स है, ठीक है? वहाँ से हम पानी पी सकते हैं, हमारे घर के काम होते हैं, इरीगेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो ये सारी मतलब हमें जो जीवन में जीने के लिए जो भी असेंशियल चीज़ें चाहिए वो कहाँ से आ रही है? पानी से ही आ रही है। ओके, पानी जो है वो हेल्प करता है किसी भी कंट्री को या मैन को डेवलप इंडस्ट्रीज, ठीक है? इंडस्ट्रीज बनाने के लिए काम आता है। आज कितनी भी इंडस्ट्री है तो पानी के बगैर तो कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती है। दैट मीन्स कि डेवलप करना है, अगर हमें कंपीट करना है हमारे दुनिया भर के साथ, तो हमें पानी की बेशक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? घर बनाने के लिए हमें पानी चाहिए। ये प्रैक्टिकल चीज़ होगी, पहले थोड़ा अपन ने मैथोलॉजिकल फॉर्म में देखा प्रैक्टिकल, अब हम बात करते हैं हमारे आर्टिस्टिक फॉर्म को लेकर। द लैंडस्केप सीन्स ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स एट डॉन एंड डस्क आर वेरी फैसिनेटिंग, ना? सुबह सुबह का टाइम होता है या सनसेट का टाइम होता है, उस टाइम पे नदी हो, ठीक है, और उसके हिसाब से आप जब सूरज उगना और डूबना जब हम देखते तो बहुत ज़्यादा सुंदर एक चित्र बन जाता है। और यही सुंदर चित्र जो है आर्टिस्ट को हेल्प करता है कि वो पेंटिंग बना सकते हैं और हमारे हेरिटेज को वो और निखार सकते हैं। Thus calling a river लोकमाता reflects the deep respect, gratitude and spiritual connection, ठीक है? सब चीजें आ जाती है इसके अंदर, एंड दैट पीपल हैव विद दिस लाइफ गिविंग वॉटर बॉडीज। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडियाज नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है? क्या डिफरेंस है? देखो, तो नेचुरल एंड कल्चरल में तो पहले हम बात करते हैं कल्चरल हेरिटेज की। अब कल्चरल के अंदर क्या कहा जाएंगे, पैलेसेस ना, महल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे जो लिखी जाते हैं ना, जैसे कुरान के कहीं वर्सेस लिखे जाएंगे, कहीं भी गीता के वर्सेस लिखे जाते हैं,
ठीक है, स्तूप पास हो जाते हैं, टेम्पल्स, मॉस्क, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्ट वर्क, लिटरेचर, ये सारी की सारी बेसिकली हम देखें तो कल्चर हमने खुद ने बनाया है. ओके, तो इट इज क्रिएटेड बाय द मैन. तो कल्चरल हेरिटेज इज नथिंग बट द इनवेल्यूएबल गिफ्ट ऑफ अवर एंसेस्टर्स. ठीक है, हमारे पूर्वजों से मिला हुआ एक अनोखा तोहफा है हमारे लिए, क्योंकि वही सब चीजें देख कर, रीड करके हमें पता चलता है कि हमें कैसे अपनी जिंदगी जीनी है ना, क्या करना है. तो ये सब चीजें हमें वहां से आते हैं. ओके, तो देखा जाए तो हमारा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कल्चरल फॉर्म से एनहांस होता है. तो वो चीज आता है नेचुरल हेरिटेज. अब वो सारी चीजें जो हमें भगवान के थ्रू, कुदरत के थ्रू मिली है, ट्रीज, फॉरेस्ट, पानी, ठीक है, सो माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम, सी, ट्रीज, प्लांट्स, सीजन्स, वेजिटेशन, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब जो है वो नेचुरली अकर्ड है. और ये जो है वो नेचर का हम लोगों को एक तोहफा है. और ये नेचुरल हेरिटेज हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते. पहाड़ बना सकते हैं क्या हम लोग? पहाड़ को तोड़ सकते हैं, बना तो नहीं सकते, सीधी सी बात है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है, मतलब कि जो कुदरत से हमें मिला हुआ है दैट इज नेचुरल हेरिटेज, जो हमने खुद ने हमारी, जिसको हम कहते हैं सभ्यता, ठीक है, जो हमने बनाई है उसको हम कहते हैं कल्चरल हेरिटेज. ठीक है बच्चा. 27, राइट अबाउट संगीत रत्नाकर. ओके, संगीत रत्नाकर वॉज अ बुक ऑन म्यूजिक एंड डांस. ठीक है, संगीत और रत्नाकर, ठीक है, तो म्यूजिक और डांस के ऊपर है. अब इसके फीचर्स क्या क्या है? सो पंडित सारंगदेव ऑफ दौलताबाद, देवगिरी, ठीक है, उन्होंने ये संगीत रत्नाकर किताब लिखी थी. ही वॉज क्वाइट फेमिलियर विद द म्यूजिक ऑफ साउथ एंड नॉर्थ इंडिया. ठीक है, साउथ और नॉर्थ इंडिया के म्यूजिक में काफी ज्यादा उनको ज्ञान था. पंडित विष्णु नारायण भक्तखंडे, उन्होंने संगीत रत्नाकर को कंसिडर किया है एज अ मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑन म्यूजिक. ठीक है, जो भी, जैसे हम लोग सिंपल बोलते हैं राग गाना, ठीक है, तो राग होते हैं, नोट्स अपन सिंपल बोलते हैं, ठीक है, सारे गमा पाता नीसा. खैर हम लोग तो थोड़े अज्ञानी हैं इसमें, हमें तो पता चलता नहीं है, बट जो लोग क्लासिकल सिंगर्स होते हैं, या शायद आप में से कोई ऐसी फैमिली हो जिनके घरों में सिंगर्स हो और जो क्लासिकल सिंगर्स की तालीम भी लेते हैं, तो उनको ज़्यादा पता होगा. ओके, मैं इस पर ज़्यादा इतना बोल नहीं पाऊंगी बिकॉज मेरा बैकग्राउंड वो म्यूजिक का है नहीं, बट मुझे इतना जरूर पता है कि जितने भी सिंगर्स होते हैं ना, ठीक है, तो उनको जब रियाज करवाया जाता है क्या, तो उनका अगर जैसे पहला किताब होता है ना संगीत को लेके, तो वो संगीत रत्नाकर होता है. ठीक है, जहां पे उनको पूरे बेसिक्स सिखाए जाते हैं. इट इज कंसिडर्ड एज टू बी द फाइनेस्ट टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक. ठीक है, ताल मिलाना, बीट्स, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं. ओके, कब आपको आवाज ऊपर लेनी है, कब आपको धीमे गाना है, कब आपको आवाज भारी करनी है, तो ये सब चीजें जो है वो बेसिक संगीत जो अपन कहते हैं म्यूजिक, वो यहां से आई है. मैं अभी के म्यूजिशियंस वाली बात नहीं कर रही हूँ. ठीक है, अभी का म्यूजिक थोड़ा सा अलग है. अगर आप बहुत पुराना वाला म्यूजिक देखेंगे ना, तो आपको इस तरीके की चीजें आपको समझ में आएंगी. वेल, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कथकली डांस स्टाइल. ठीक, कथकली डांस स्टाइल क्या है? तो बच्चा जी देखो, कथकली डांस जो है वो केरला का बहुत ज्यादा फेमस डांस है. मलयालम लैंग्वेज में वर्ड कथक, कथा मतलब की स्टोरी, ठीक है, और कली मतलब की प्ले, मतलब कि आप नृत्य करके, आप प्ले करके, ठीक है, कोई स्टोरी डेपिक्ट कर रहे हो ना, किसी को समझा रहे हो, उसको अपन कहते हैं कथकली. कथकली इज अ फॉर्म ऑफ द नरेटिंग स्टोरी वाइल परफॉर्मिंग डांस. अगर आप लोगों ने डांस इंडिया डांस या ऐसे कुछ जो सीरियल्स आते हैं, तो उसमें कई बार ऐसे कथकली डांस करके जो कंटेस्टेंट होते हैं वो कोई ना कोई स्टोरी डेपिक्ट करते हैं. ठीक है, स्पेशली जैसे शिव जी की कोई स्टोरी हो गई, रामायण की कोई स्टोरी हो गई, रामलीला, तो ऐसे कुछ की किरदार बना देते हैं और वो स्टोरी के थ्रू बताते हैं. ओके, कथकली, द वर्ड कथकली हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ड्रामास ऑफ टू एपिक्स, रामायण और महाभारता. ठीक है, तो वहां से ही निकला हुआ है. नाउ दे वर वेरी ब्यूटिफुल प्लेटेड अटायर्स एंड आर्टिस्टिक क्राउन्स. ठीक है, जो उनकी पूरी ड्रेस होती है ना, अटायर मतलब ड्रेस, पूरी प्लेटेड, यू प्लेट्स बनी होती है, हम क्या साड़ी में प्लेट्स बनाते हैं, ठीक है, वैसी प्लेट्स बनी होती हैं. और प्लस उनके वो जो मुकुट होते हैं ना, वो आर्टिस्ट बहुत ऐसे रंग बिरंगी और बहुत अनोखे होते हैं. द कैरेक्टर परफॉर्म दिस डांस विद फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोजेज ऑफ हैंड्स. ठीक है, जो भी कैरेक्टर उनको प्ले करना होता है, तो जो आपने देखा होता है कथकली में ऐसे उनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत, उनकी उनका आई मेकअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब इतना डार्क मेकअप करते हैं कि वो उनकी आंखों से ही, ठीक है, इशारे करते हैं और वो हमें उनके एक्सप्रेशन समझ में आ जाते हैं. द स्टेज इज लिट ओनली विद द अर्दन लैम्प. ठीक है, स्टेज पे सिर्फ एक ना क्या बोलते हैं, मिट्टी का दिया जो है वही जलाया होता है, और कोई आर्टिफिशियल कुछ और नहीं रहता है.
पोएट श्री वेलथोड जो फाउंडर है कलामंडल कथकली केरला के, ओके कलामंडलम कृष्ण प्रसाद शिवारमन, दे हैव अर्नड ग्रेट नेशनल एंड इंटरनेशनल फेम इन द कथकली डांस. ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कुतुब मीनार. ठीक है, कुतुब मीनार के बारे बताइए. तो देखो पहली बात तो कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है. दूसरा ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था. किसने बनाया था? बाय द कुतुबिन ऐबक ने, जो गुलाम डायनेस्टी के फाउंडर थे. उनकी डेथ के बाद ठीक है उनका जो अधूरा काम जो रह गया था वो उनके दामाद सन इन लॉ इल्तुतमिश ने फिनिश किया था. दिस 72.5 मीटर टॉल स्काई स्क्रैपर इज मेड आउट ऑफ द राउंड रेड स्टोन एंड द मार्बल. ठीक है, कुतुब मीनार जो पूरा पूरा जो मीनार है ठीक है वो बेसिकली पूरे एक एक स्टोन से पूरा बनाया हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से कार्विंग उस टाइम पे होती थी. उसका टॉल जितनी लंबाई है वो 72.5 मीटर है. उसका जो सर्कमफेरेंस है जो पूरी चौड़ाई है उसकी ठीक है बेस वो 13.75 मीटर एंड इट रिड्यूस टू द 2.75 मीटर एट द टॉप. ठीक है, मतलब किस तरीके से ऐसे ऐसे करते 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 यूँ धीरे 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 कम होते होते इस तरीके से बनाए गए. ठीक है, ऊपर का सर्कमफेरेंस नीचे के सर्कमफेरेंस में गैप है. अब इसमें पूरे के पूरे कुरान के जो वर्सेस है ना, हम हिंदी में श्लोक कहते हैं, तो कुरान के जो वर्सेस होता है ऐसा लिखे हुए हैं एंड इट इज अ टॉलेस्ट स्टोन मिनारेट ऑफ इंडिया. ठीक है, कुतुब मीनार. ठीक है, मीनार मतलब पिलर, तो ये सबसे टॉलेस्ट इंडिया के अंदर है. ठीक है, डन बच्चों. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है. आई एम ट्राइंग कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से करूँ और कुछ चीज़ें और भी ऐड करूँ ताकि आपका ज्ञान भी इंक्रीज हो और आपको समझने में मज़ा आए. तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगती है और आपको मज़ा आता है सुनने में कि नहीं मज़ा आता है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एस्टेब्लिश, व्हाट एक्टिविटीज डज इट अंडरटेक. देखो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है वो सबसे पुरानी है, वो एस्टेब्लिश हुई थी 1883 में. ये क्या काम करती है? तो इसका काम है एनवायरमेंट को और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना एंड प्रोटेक्ट करना. ठीक है, इसी का ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री. ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री से क्या फायदा है? वेल, अब यहाँ पे लोकल पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एंड कीप एक्सटिंक्ट आर्ट अलाइव ऑफ कोर्स बाय दिस इंडस्ट्री. हेट्रोजीनियस कल्चर इज इंट्रोड्यूस दैट एनलाइट्स द टैलेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, अब देखिए बेसिकली टूरिज्म बात करते हैं अभी अभी. ठीक है, दो तीन दिन के अंदर ये बहुत सारा वो आपको पता ही होगा मालदीव्स और लक्षद्वीप का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. ठीक है, मोदी जी लक्षद्वीप में गए तो किस तरीके से देखा जाए तो अभी क्या हो रहा है ना कि सब मतलब अभी बहुत सारे लोग जो है वो लक्षद्वीप की प्लानिंग कर रहे हैं वैकेशन की. दैट इज़ अ टूरिज्म, है ना. अभी इंडिया के लोग जा रहे हैं, अब बाहर के लोग भी आएंगे. बाहर के लोग आएंगे तो सीधी सी बात है एक तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा. तो टूरिज्म इंडस्ट्री के एडवांटेजेस देखो, पहला तो ये है कि अभी देखो जैसे लक्षद्वीप में एग्जांपल लेकर समझा रही हूँ. तो लक्षद्वीप पे जब जाएंगे लोग वैकेशन के लिए और सब, तो धीरे धीरे वहाँ के जो लोकल पीपल जिन बेचारों को इतना ज़्यादा अभी कमाने का मौका नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा. तो जो लोकल पीपल है दे गेट एम्प्लॉयमेंट. समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, समझोगे तो खुद के वर्ड्स में लिख पाओगे. तो पहला स्टेटमेंट तो यही आ गया कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. ठीक है, वो जो कलाएं ठीक है जो भी चीज उस जगह की फेमस होगी उसको देखने के लिए लोग आएंगे तो फिर से जिंदा हो जाएगी. जिंदा मतलब कि चलने फिरने नहीं, जिंदा मतलब कि उस चीज की पहचान पूरे दुनिया भर में होने लगेगी. ओके, तो इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट आर्ट अलाइव. मतलब जो चीज खत्म हो चुकी थी किसी यहाँ पता नहीं था, आज लक्षद्वीप जाएंगे या कोई सी जगह पे जाते हैं तो वहां के कल्चर को भी तो एनहांसमेंट मिलेगी ना. ठीक है, तो इस तरीके से जो हेट्रोजीनियस कल्चर है, हेट्रोजीनियस कल्चर मतलब कि आज हमारा कल्चर अलग है, हम कई कंट्री में जाते हैं तो उनका कल्चर अलग है, तो दोनों कल्चर्स मिलेंगे. ठीक है, मिलेंगे तो इस तरीके से कंट्री का टैलेंट बढ़ेगा. दूसरा, फैसिलिटीज लाइक द मेटल्ड रोड, रेलवे, वाटर, कम्युनिकेशन, ये भी डेवलप हो जाएंगे. क्योंकि अगर टूरिस्ट आते हैं तो ये सारी चीजें तो डेवलप करते ही है ना. आज अगर हम कहीं पे जाएं तो पहले चलो कोई भी एक एरिया है इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, जैसे बाहर नाम आने लगा ठीक है टूरिस्ट जा रहे, तो अभी गवर्नमेंट क्या करेगी? पक्के रोड बनाएगी, रेलवे बनाएगी, वाटर बनाएगी, वाटरवेज बनाएगी ताकि लोग आए. ठीक है, लोग आएंगे तो उतना सारा टूरिज्म इंक्रीज होगा. अभी जब बनाएंगी सारी चीजें तो उसके लिए लेबर्स रखेंगे, तो लेबर्स को इनकम मिल रही है तो एम्प्लॉयमेंट उनको भी मिला. टूरिज्म के रेस्पेक्ट में गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्रॉफिट हो जा रहा है.
टूरिज्म टॉपिक हैज बीन एडेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये होना चाहिए, जहां पर टूरिज्म गाइड एक बिजनेस ही है, ठीक है। कई कई जगह पे हम जब जाते हैं तो कोई महल होता है, कोई राना राजा रानी का कुछ होता है, तो वहां पे अपने को गाइड मिलते हैं जो पूरी कहानी बताते हैं, ठीक है। तो ये कहानी बताना, ओके, अभी तो फेक फेक चलता था, बट अगर इसको एजुकेशन में डाल दिया जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हिस्ट्री में मजा आता है और जो इन सब चीजों के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, तो वो इस फील्ड को लेकर अपने बिजनेस को एनहांस कर सकते हैं। वेरियस विजिटर्स फ्रॉम कंट्री एंड अब्रॉड केम टू विजिट, जैसे मैंने कहा, ठीक है, दूसरे देशों के लोग आएंगे, रिसर्च करेंगे हमारे कल्चर को लेकर, हमारे नेचुरल हेरिटेज को लेकर, और इस तरीके से टूरिज्म जो है वो और ज्यादा ग्रोथ होगा। इंडिया गेट्स फॉरेन कंट्रीज करेंसी, ठीक है, बाहर का पैसा आएगा, दस द टूरिज्म इंडस्ट्री प्रोवाइड्स प्रॉपर प्लेटफॉर्म टू शो अवर मल्टीफेरियस कल्चरल, ठीक है, मतलब मल्टीफेरियस मतलब कि अनोखा, ठीक है, आर्ट ट्रेडिशन हम दुनिया के सामने अपने देश का लेके आएंगे। आज ऐसा वही हुआ ही है ना, आयुर्वेदा हमारे देश का था, योगा हमारे देश में था, अब हर जगह फैल गया है, अब सबको पता है ये चीज, ठीक है, बाहर बाहर के विदेश के जो डॉक्टर्स है वो भी आयुर्वेदा कर रहे हैं। तो ये वो लोग जब इंडिया में आए और हमारे कल्चर को देखा तो जो जो उनको चीज अच्छी लगी वो अपने ही देश में जाकर उस चीज को आगे वो डेवलप कर रहे हैं और अपना वहां पे, तो वहां पे अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, वो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं इंडिया से ही गया है तो इंडिया का नाम आएगा ना, और ऐसे बहुत सारे लोग इंडिया में आएंगे उसके बारे में और ज्यादा स्टडी करने के लिए, तो ये टूरिज्म का क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो इसके लिए हमारे पास जो भी नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज जो भी साइट्स हैं, ठीक है, उनको स्वच्छ अच्छा बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली वो सारी चीजें जिसको यूनेस्को ने हेरिटेज का खिताब दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे बेसिकली इन दैट 32 प्लेसेस ऑफ हेरिटेज ऑफ गुजरात इंक्लूडेड, ठीक है, गुजरात में 32 प्लेसेस जो है वो इंक्लूडेड है, ओके, सो समझ में आया बच्चों। देखो बच्चा आप क्या करना ना, कि जब आप लोग रीडिंग करते हो, जब आप ये स्टडी करते हो ना बेटा, तो क्या करने का, हमेशा है ना जो की पॉइंट्स होते हैं ना उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है, फिर की पॉइंट्स को दिमाग रखो कि भाई अगर टूरिज्म है तो टूरिज्म में कौन से ऐसे 6 पॉइंट हैं जिसको जिसपे मैं अपने आंसर्स को बना सकता हूँ, बस वो की पॉइंट्स याद कर लो, ठीक है। लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ठीक है, रोड पक्के बन जाएंगे, फिर उसके बाद एजुकेशन हमारा एनहांस हो जाएगा, पूरी दुनिया भर में हमारी कंट्री का नाम हो जाएगा, फॉरेन करेंसी आएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, 5 पॉइंट तो 4 पॉइंट तो ये बन गए हमारे, ठीक है, ऐसे ऐसे लर्न करोगे ना बेटा तो बहुत जल्दी से अच्छे से लर्न हो जाएगा, रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, की पॉइंट्स को याद कर लेना, अंडरलाइन कर लेना चीजों को, आराम से हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, इन विच वेटलैंड्स रीजन्स ऑफ इंडिया डू द माइग्रेटरी बर्ड्स कम टू स्पेंड द विंटर, ठीक है, तो दिल्ली में है नजफगढ़ एंड बसाई वेटलैंड इन द हरियाणा, ठीक है, वहां पे विंटर में दूसरे लोग आते हैं। अब अगर एक और चीज लिख दूं, नल सरोवर इन गुजरात, ठीक है, गुजरात में नल सरोवर है ना, वहां पे भी तो आते हैं विदेश के पक्षी ठंडियों में, ठीक है। नेक्स्ट 32, स्टेट द मेजर प्लेसेस वेयर आयरन इज अवेलेबल, ओके, आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से कौन से, कर्नाटका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है आयरन, फिर आयरन इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश अच्छी क्वांटिटी में आयरन, गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश, आसाम में भी पाया जाता है, ठीक है, तो लर्न कर लेना है नाम। नेक्स्ट 33, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल गैस एंड बायोगैस, ठीक है, बायोगैस नथिंग इज द गोबर गैस, ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, देखो नेचुरल गैस सीधी सी बात है नेचुरली मिलता है हम लोगों को जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि नेचुरल गैस और कुछ नहीं, CH4 मीथेन ही होता है ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, ओके। बायोगैस जो है वो डेड एनिमल्स, प्लांट्स, उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्राइड लीव्स होते हैं, ठीक है, उनसे हम गैस को बनाते हैं बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में मिलता है, ये क्वांटिटी कम होती है, सीधी सी बात है। यहाँ पर इसको हम लोग नेचुरल गैस को यूज कर सकते हैं फॉर द एनर्जी पर्पसेस इन द रूरल एरियाज, जबकि इट इज सॉरी इन द अर्बन एरियाज, जबकि बायोगैस जो है वो यूज होगा इन द रूरल एरियाज, स्पेशली फॉर द कुकिंग फूड एंड ऑल दैट, ठीक है, ज्यादा क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी होता है ना, तो इसके लिए कुकिंग वगैरह में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो इतना प्रोड्यूस ही नहीं होता कि हम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी या कुछ और प्रोड्यूस कर पाए, ओके।
सीएनजी एंड एलपीजी आर इट्स टू मेन टाइप्स। अब इसके दो मेन टाइप सीएनजी एलपीजी है, खैर इसका कोई सब टाइप होता नहीं बायोगैस का, बायोगैस इज द बायोगैस, दैट्स इट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34। हाउ मेनी शिप बिल्डिंग सेंटर्स आर देयर इन इंडिया विच आर दे। देखो बच्चा, देयर आर फाइव शिप बिल्डिंग सेंटर्स इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे है? विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई, ओके मरमागांव प्रोड्यूस मॉडर्न शिप्स, जिसमें से कोची और विशाखापट्टनम सबसे बड़ी शिप बनाने वाली सेंटर्स हैं। ओके बिल्ड लार्ज शिप साइज, लार्ज साइज शिप सेंटर्स। ओके नेक्स्ट 35। देखो बजाब जहाँ पे कोई के बच्चे बोलेंगे मैम तो छोटा आंसर, अब बेसिकली जैसा क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से आंसर लिखेंगे ना, कहीं पे कुछ पॉइंट्स बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दो ही क्वेश्चन है कि शिप कौन कौन से हैं वो बता दीजिए कितने हैं, तो बस दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो क्या लिखोगे आप इसके अंदर, मीनिंग ही तो लिखनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन ही उन्होंने ऐसा पूछा है कि जिसमें हम ज्यादा कुछ लिख नहीं पाएंगे, तो जितना है उतना अपन ने लिख दिया, फिर मैंने थोड़ी बहुत चीजें ऐड करने की कोशिश की ताकि आंसर की थोड़ी सी लेंथ अपन जस्टिफाई कर पाए दो मार्क के हिसाब से। सो अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या, ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजंस, मतलब कि नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो एनवायरमेंट की क्वालिटी है, जैसे कि एनवायरमेंट में क्या आता है पानी, हवा, मिट्टी, ठीक है, इनकी क्वालिटी कम हो गई है, फॉरेस्ट भी डिस्ट्रक्ट हो चुका है, वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब्ड हो चुकी है, तो ये सारे फैक्टर्स को मिला के हम कहते हैं एनवायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, मतलब कि खराब होता जा रहा है, तो दैट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके बच्चा बाटी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36। मुझे लग रहा है कि आपको मजा तो आ रहा होगा। ओके चलिए अब देखते हैं, स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। कह रहे हैं कि हमें प्रोविजंस बताओ जहां पे माइनॉरिटीज के हित में सरकार ने क्या क्या प्रोविजंस बताए हैं। ठीक, अभी एक्चुअली आंसर बहुत लंबा है, तो मैंने अपने दो मार्क के हिसाब से कोशिश की कि आपको मैं मेन पॉइंट्स बता दूं। ठीक है, माइनॉरिटीज में आते कौन है, तो माइनॉरिटीज में हमारे यहाँ पे आते हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, ठीक है, ये माइनॉरिटीज में आते हैं इंडिया के अंदर, स्पेशली बात कर रही हूँ मैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उन्होंने कुछ बनाया हुआ है, अब सीधा आते हैं अपन रेड मार्किंग के ऊपर। सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14-18 के अंदर है, जिसके अंदर ये बताया है कि कोई भी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना ही एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर, ना ही प्लेसेस के बेसिस पर, ठीक है, मतलब कि इनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, न रिलीजन, न कास्ट, न रेस, न जेंडर, न लैंग्वेज, न डेट ऑफ बर्थ, न प्लेस ऑफ बर्थ, किसी को लेके भी कोई भी भेदभाव नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन आर्टिकल 24, ठीक है, आर्टिकल 24 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका मतलब कि कोई भी माइनॉरिटी में जब आते हैं तो वो अपने रिलीजन को बेझिझक, ठीक है, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, अपने खुद के इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, ओके, अपने रीजनल एक्टिविटीज के लिए फंड कलेक्ट कर सकते हैं, हम नहीं बोलते हिंदी में चंदा चंदा लेना, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आपकी सोसाइटी में भी होता होगा कि जब वो सोसाइटी के अंदर जैसे गणपति का होता ना, ठीक है, गणपति जी का उत्सव होता है या ये नवरात्रि का कोई उत्सव होता है, तो जब वो पंडाल लगाते हैं तो घरों से वो 1500-2000 जो भी जितना उसका होता है शेयर वो लेते हैं चंदा के नाम पे, होता है ना, ठीक है, तो वो चीज अब हम लोग हिंदू के हिसाब से हम इस तरीके से करते हैं, उनका जो भी होगा, ठीक है, जैसे उनको जाना होता है मक्का मदीना मुस्लिम को, ठीक है, क्रिश्चियंस का अपना कुछ होता होगा, तो उसके लिए अगर वो सेलिब्रेशन के लिए वो चंदा फंड कलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके ऊपर उनको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आर्टिकल 29 जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा है कि उनको एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स मिलेंगे, ठीक है, मतलब कि वो अपनी लैंग्वेज फॉलो कर सकते हैं, अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, उसमें उनको कोई भी भेदभाव नहीं है, उनको अपना एजुकेशन लेने के वो आधिकारिक होते हैं, ठीक है, वो ले सकते हैं। इसके लिए अगर आप देखो ना बेटा, जो CBSE एग्जाम्स होती हैं जैसे, तो उसमें जो लैंग्वेज होता है, तो कभी आप देखना उनके टाइम टेबल को, तो जैसे कि मराठी, हिंदी, पर्शियन, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, मतलब कि हर लैंग्वेज में उनको एग्जाम, मतलब एग्जाम की फैसिलिटी है, जो जिस रीजनल का है वो अपना लैंग्वेज वहां पे चूज कर सकता है, ठीक है, ये भी चीजें रहती हैं। आर्टिकल 30 प्रोवाइड्स देम टू राइट टू एस्टेब्लिश माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, मतलब कि वो अपने, जिसमें आगे वो चीज खैर आई गई कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो खुद के बना सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेट अप द नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट्स एज वेल एज टू लुक आफ्टर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज, ठीक है। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन,
चलिए देखते हैं, स्टेट द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म के इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या होते हैं भैया, मतलब क्या क्या हमें पैसे ना इकोनॉमिक पैसा ना पैसे में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक टेररिज्म की वजह से इकोनॉमिकली प्रॉब्लम क्या आती है। देखो पहली बात तो यह है कि टेररिज्म जो है वो घरों को डिस्ट्रॉय कर लेता है, प्रॉपर्टीज लोगों की तबाह हो जाती है ना, बमबार्ड करना ये करना, घर टूट जाते हैं बॉम्ब बॉम्ब में। ठीक है, जो नॉर्मल ट्रेड सिस्टम है बिजनेसेस बंद हो जाते हैं उन इलाकों में। अब बिजनेस बंद होना मतलब कि लेना देना सब कुछ बंद, कोई भी इनकम लेवल अराइज नहीं हो रही है, तो इनकम खतरे में हो जाती है। टेररिज्म की वजह से कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर है, ठीक है, वहां पे तो लिटरली लोग माइग्रेट कर लेते हैं दूसरी कंट्री के, मतलब कंट्री में दूसरी दूसरे पार्ट्स में, क्योंकि पता है कि वहां पे कुछ भला होने वाला है नहीं, हमारे बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिलेगी, हम इतना कमा नहीं पाएंगे, तो लोग चले जाते हैं अपनी स्टेट्स को छोड़कर। टूरिज्म इंडस्ट्री अफेक्ट करेगी बेशक, आज अगर हम अगर बाहर का कोई कंट्री का अगर हमारे इंडिया में विजिट करता है, उनको कहते हैं कि आइए हम आपको जम्मू कश्मीर घुमाने आते हैं, बोलेगा ना बाबा माफ कीजिए, आप अपने देश का कोई भी और कोना घुमा लीजिए, जम्मू कश्मीर मत घुमाइएगा, वहां पे आतंक का डर रहता है। ठीक है, तो इसके लिए लाइक आप देखो टूरिज्म एक्टिविटी बंद हो गई ना वहां पर, ओके, तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है। इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन उनके बच्चे, ठीक है, किडनैप हो जाते हैं बाय दिस टेररिस्ट, क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है ना, पैसे 1 करोड़ रुपए लाओ 10 करोड़ रुपए लाओ तो आपके बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। ऑल दिस एक्टिविटीज आपने पिक्चरों में भी देखी होती है, ठीक है, ये सब चीजें रहती हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बंद हो जाती है टेररिस्ट अटैक से, क्योंकि बिजनेसेस मतलब वहां पर रेड अलर्ट हो जाएगा, ठीक है, 5-6 दिन शायद 15 दिन के लिए सब कुछ एक्टिविटीज बंद की जाती है, कहते हैं आप लोग घरों में रहो बाहर मत निकलना खतरा है, तो एक्टिविटीज कुछ हो ही नहीं रही है, मतलब कमाने वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। रेलवे लाइंस बंद हो जाएंगी, ठीक है, रेडियो स्टेशन, रोड, ब्रिज, गवर्नमेंट जो है ऑफिस वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ना जाने कितने करोड़ों का नुकसान हो जाता है। जब पार्लियामेंट में वो हुआ था टेररिस्ट अटैक तो कितना ज्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है, ताज होटल में हुआ था, तो फिर उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए करोड़ों रुपए और लगाने पड़ते हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंग्लैंड, अब इसके अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग, ब्लैक मार्केटिंग ये सब भी होता है अपने फंड्स को रेज करने के लिए फॉर दर एक्ट ऑफ वायलेंस। सो ओवरऑल इफेक्ट हम देखें तो हार्मफुली होता है, पूरी नेशनल इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो जाती है और इस हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाता है। तो इसलिए टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ठीक है, जितना हो सके टेररिज्म ना हो, ओके, तो यही सब चीज, मतलब टेररिस्ट का अटैक वगैरह ना हो, पहले बहुत होता था, अब तो फिर भी काफी हद तक कम हो चुका है। तो भाई बच्चा, दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, एंजॉयड ना जरूर बताना भी कमेंट सेशन के अंदर, एंड सी आपके पास कमेंट सेशन इज काइंड ऑफ द फीडबैक, ठीक है, आपको जो फीडबैक देना है हम दिल खुल के दीजिए, पर अच्छे से दीजिए ताकि हमें पढ़ने में भी ठीक लगे कि हमें हमारे लिए सजेशन है, ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे सेशन, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस के साथ, नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे, समझेंगे चीजों को, आप स्टडी कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ और मस्त मजे में रहिए। बाय बाय, टेक केयर।